वीवर्स देखिए हनीफ राजा के प्रैंक शो का ये हिलेरियस प्रैंक। 50-50 में भी आपने काम किया है? जी। इस्माइल तारा तो आपका नाम नहीं है? नहीं। आप वाकई टीवी में आते हैं? मेरा बेटा, मैं हाथ जोड़ता हूँ तुम्हें, और कितनी मदद हो तुम्हें बताओ, मेरा बाबू, मेरा जान, मेरा कलिया का टुकड़ा, मैं टीवी में काम करता हूँ यार। शहजाद साहब नहीं आ रहे क्यों? क्या हो गया यार, मैं पागल हो गया हूँ? मैं आपको बता चुका ना कि मैं टीवी में काम कर चुका हूँ, काफी प्लेन में काम कर चुका हूँ। याद नहीं आ रहा है ना मुझे? तो आपको याद नहीं आ रहा तो मैं क्या करूँ? नहीं देखा है आपको? फिर वही बात, कहीं देखा, अब ससुराल में देखा होगा ना अपने ससुरों के साथ। अरे शहजाद साहब को बुलाओ यार, मैं जा रहा हूँ। आप वापस सर टीवी पे आते हैं? भाई बेटा, मेरा जान, मेरा दिमाग मत खराब करो। लगता है आपको आपके माँ बाप ने तमीज बोल के कोई चीज सिखाया नहीं। सर याद नहीं आ रहा? याद आपको नहीं आ रहा तो मैं क्या करूँ, इसमें मेरा क्या कसूर है? मेरा दिमाग मत खराब कीजिए। ये है जाने माने मधाई अदाकार मिर्जा शाही, बहुत सीनियर, बहुत काम किया है और बहुत मशहूर अदाकार हैं। इतने मशहूर अदाकार को अगर कोई आदमी जानबूझकर ना पहचाने तो अदाकार को थोड़ा बहुत गुस्सा तो आ ही जाता है। एक तो पहचान ना रहा हो, दूसरा उनको जिद कर रहा हो। बेटे शहजाद साहब कब आएंगे? सर वो जरा पार्टी से डिस्कस कर रहे हैं, 5 मिनट में आ जाएंगे। हद हो गई भैया, तब मैं बाद में आ जाऊं? नहीं नहीं सर, वो बस इम्पोर्टेंट डिस्कस थी, एंड होने वाला है। लाहौर में तो नहीं रहते वहाँ जहाँ मकबरा बना हुआ? ना ना, मुल्तान में तो रहते होंगे आप? नहीं, मुझे मिर्जा शाही कहते हैं। काफ़ी टेलीविजन प्लेज में मैंने काम किया है, आपने मुझे टीवी में देखा होगा, फिल्मों में देखा होगा। अच्छा अच्छा अच्छा। मुझे तो ये नदीदा लगता है। अरे मेरा शरबत ही पी गया। आप भी लीजिए। मजाक ना करें मेरे साथ प्लीज। अच्छा सर, आपने सिर्फ टीवी में ही काम किया? नहीं मेरा बेटा, नहीं, मैं ईस्ट पाकिस्तान जब ढाका था ना, ढाके से काम करता था, चकोरी से शुरू किया, काफ़ी फिल्मों में काम किया, उसके बाद मैं कराची आ गया, कराची में काफ़ी ड्रामों में काम कर चुका हूँ। अब खुदा के लिए मेरा दिमाग मत खराब कीजिए प्लीज़। याद नहीं आ रहा सही। इसमें याद वाली कौन सी बात है भाई? अच्छा 50-50 में भी आपने काम किया है? जी। इस्माइल तारा तो आपका नाम नहीं है? नहीं, मुझे मिर्जा शाही कहते हैं, मिर्जा शाही। मैंने वो देखा था ना ड्रामा, इसलिए कह रहा। मैं फिल्में तो सारी देखता हूँ शाहरुख खान की, आपको तो मैंने नहीं देखा उसमें। मेरा बेटा, मैं ढाके से काम करता आया हूँ, नदीम को आपने देखा होगा, नदीम के साथ काफ़ी फिल्मों में काम किया, मोहम्मद अली साहब के साथ किया है, बाकी वहीद मुराद दिलों के साथ बहुत आर्टिस्ट के साथ काम किया मैंने यार। मैं सिर्फ शाहरुख खान की देखता हूँ, उस फिल्म में तो आप थे नहीं। बेटा मैंने आपको बता चुका हूँ कि मैं ढाके में रहता था, ढाके में काफ़ी फिल्मों में काम किया, नदीम के साथ काफ़ी फिल्मों में काम किया मैंने। पाकिस्तान की तो किसी फिल्म में भी मैंने आपको नहीं देखा, क्योंकि नदीम के साथ तो हमेशा शबनम आई है। आप पाकिस्तान में रहते हैं या इंडिया में रहते हैं? पाकिस्तान में रहते हैं। अगर पाकिस्तान में रहते तो पाकिस्तानी फिल्मों में मैंने काम किया है भाई। मैंने नदीम के साथ तो हमेशा शबनम को देखा, आपको कभी देखा? मैं कोई हीरोइन तो हूँ नहीं जो मैं प्लीज, मैं आपको बता चुका हूँ, अब मेरा दिमाग खराब मत ना करें प्लीज, ना करें भाई। शहजाद साहब को प्लीज बुलाइए, वरना मैं जा रहा हूँ। वॉशरूम में। अरे कितना देर और लगेगा यार, प्लीज उसे जल्दी कर लीजिए आने के लिए। सर बस वो अभी यहीं आएंगे। हद हो गई यार। आप वाकई टीवी में आते हैं? मेरा बेटा, मैं हाथ जोड़ता हूँ तुम्हें, और कितनी मदद हो तुम्हें बताओ, मेरा बाबू, मेरा जान, मेरा कलिया का टुकड़ा, मैं टीवी में काम करता हूँ यार। शहजाद साहब नहीं आ रहे क्यों? क्या हो गया यार, मैं पागल हो गया हूँ? मैं आपको बता चुका ना कि मैं टीवी में काम कर चुका हूँ, काफी प्लेन में काम कर चुका हूँ। याद नहीं आ रहा है ना मुझे? तो आपको याद नहीं आ रहा तो मैं क्या करूँ? नहीं देखा है आपको? फिर वही बात, कहीं देखा, अब ससुराल में देखा होगा ना अपने ससुरों के साथ। अरे शहजाद साहब को बुलाओ यार, मैं जा रहा हूँ। आप वापस सर टीवी पे आते हैं?
बेटा मेरा जान, मेरा दिमाग मत खराब करो। लगता है आपको आपके माँ बाप ने तमीज बोल के कोई चीज सिखाया नहीं। सर याद नहीं आ रहा मुझे। याद आपको नहीं आ रहा तो मैं क्या करूँ, इसमें मेरा क्या कसूर है? मेरा दिमाग मत खराब कीजिए। मिर्जा शाही साहब नाराज होकर बाहर चले गए। उनको समझाया गया और बताया गया कि ये तो जी हनीफ राजा साहब के शो की रिकॉर्डिंग हो रही है, आपसे प्रैंक किया है, क्योंकि मेरे यानी हनीफ राजा के बहुत प्यारे से अच्छे सीनियर दोस्त भी हैं। तो उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। भला इतने सीनियर आदमी से कोई बदतमीजी का तसव्वुर कर सकता है? लीजिए, मिर्जा साहब मुस्कुरा दिए। अगर आपको हमारी ये काविश पसंद आई हो तो हमारे फेसबुक को फॉलो और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल का नाम है हनीफ राजा।